मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार के समक्ष आए हैं और कहीं ना कहीं कानून की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट सचिन जी हैं, सचिन कुमार जी। सर, आज आप यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है जनसंख्या जिसके बच्चे हैं? अब वो तो हटा नहीं सकते, उन्हें घटा नहीं सकते। मैडम, हम हटाने के लिए नहीं कह रहे जनसंख्या, पॉपुलेशन को जो बच्चे, हाँ जी, आगे के लिए हम आगे के लिए चाहते हैं कि लो फ्यूचर के लिए मैडम एक लो आए जिससे कि हमारी जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कानून आए और जनसंख्या रुके। मैडम, जनसंख्या से ही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि हर समस्या जो भारत देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अशिक्षा है और अपना अपराध है, कितने ही प्रकार की समस्याएं हैं जिसकी जो जड़ है वो जनसंख्या ही है। मैंने अपने बैनर के माध्यम से भी डिटेल्स में बताया है कि जैसे कि भारत देश के अंदर इस टाइम एक मिनट के अंदर लगभग 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर एक मिनट के अंदर 260 बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 1/5 हिस्सा हमारे भारत के अंदर पैदा हो रहा है। और भारत के अंदर जो रहने योग्य भूमि है वो पूरे वर्ल्ड की 2.5-2.5% है। तो आप देखो कहाँ से संतुलन बैठ पा रहा है, किसी प्रकार का कोई संतुलन ही नहीं बैठ पा रहा है। लोग तो कहते हैं ना कि जितने हमारे घर में बच्चे होंगे उतने ही मजबूत हम होंगे, ये मैडम ये अशिक्षा है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा, बस अशिक्षा ही मेन कारण कहूंगा मैडम, जो कहते हैं कि 2-4-5 बच्चे अगर हमारे पास हो जाएं तो हमारा खाने कमाने में हमारी सहायता करेंगे। या फिर कुछ लोग अशिक्षित है जो लड़के लड़की में फर्क समझते हैं, वो कहते हैं कि मेरी 2 लड़की हो गई, फिर मैं लड़का पैदा करने के लिए, फिर 1 लड़की हो गई, फिर ये पैदा करने के लिए लड़के की चाह के अंदर की वो जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं। तो ये कुछ लड़कों की ये सोच है, तो मूल कारण जो अशिक्षा ही है। परंतु मैडम इसीलिए मैं यहाँ पर जो फुटपाथ पे है वो तो ये सोचता है ना कि हमारे जितनी औलाद रहेगी उतना वो हमारे आगे हाथ बटाएगा, मजदूरी में हाथ बटाएगा, और भी चीजें हैं उन चीज में हाथ बटाएगा, हमारे काम में हाथ बटाएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अशिक्षा इसका मूल कारण है। देश की सरकार को एक कठोर कानून ला के जल्दी से जल्दी ये कानून शिक्षा का लाना चाहिए, जनसंख्या का लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण का। मैडम हम 40 साल से सुन रहे हैं, जब चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करी थी उस टाइम को आज 43 ईयर्स हो गया, तब जाके चाइना की पॉपुलेशन है जो अब जाके कंट्रोल हुई है। अदरवाइज आप देखो नहीं तो 43 ईयर्स में मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंडिया वन चाइल्ड पॉलिसी लाए और अब देखो इंडिया विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया मैडम, 2.5 करोड़ के लगभग बच्चे इंडिया के अंदर हर साल पैदा होते हैं, कितनों को नौकरी मिल जाती है मैडम। इसलिए ये हर... जो नौकरी का जो कहते हैं कि रोजगार नहीं है, क्या इसी वजह से नहीं मिल पाता रोजगार? मैं कह रहा हूँ देश की हर प्रॉब्लम ही जनसंख्या वृद्धि की वजह से ही है। आप देखो ना एक औरत एक कहीं ना कहीं बोझ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है मैडम। आप ये धरती पे इसलिए बोझ पड़ रहा है मैडम, जैसे जितने ज्यादा बच्चे होंगे जितने ज्यादा आदमी होंगे, कुपोषण का शिकार भी होते हैं बच्चे ज्यादा होते हैं तो, और धरती लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, मकान बनेंगे, मकान बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, कृषि योग्य भूमि है जो वो कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो संतुलन ना बनने के कारण भारत में जनसंख्या एक वरदान न होकर अब एक अभिशाप का रूप लेती जा रही है। यानी कि इसकी मूल जड़ तक जाना होगा कि जनसंख्या के नुकसान क्या है, जनसंख्या बढ़ने के मैडम अभी फिलहाल नुकसान ही नुकसान है, हमने ये रोकना ही पड़ेगा मैडम। चाइना ने 43 ईयर्स में कंट्रोल करी है और तब से हम अपनी सारी सरकारों से सुनते आ रहे हैं, टीवी में हर 10-15 दिन आती है, डिबेट आती है, जनसंख्या कम हो रही है कम हो रही है, फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी से हमने सुनना शुरू करा था, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, नसबंदी का भी कुछ थोड़ा बहुत तो कानून लेके आए, तो उसके बाद भी मैडम 40 सालों से एक दूसरे पर, मतलब गवर्नमेंट कोई भी सरकार इस मुद्दे को मेन मुद्दा नहीं समझती है, और यही मेन मुद्दा है, सब समस्याओं की जड़ ही जनसंख्या वृद्धि है। लास्ट में तमाम लोग आपको देख और सुन रहे हैं, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे?
और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं लोगों से तो यही अपील करना चाहूंगा कि लोग शिक्षित हों और अपने समाज के भी जो अशिक्षित लोग हैं उनको जागरूक करें। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी एक समाज सेवक है। मैं भी अब जो यमुना किनारे जो झुग्गियां बनी हुई है, जो बाढ़ प्रभावित लोग बाहर आए हैं, वहाँ सेवा भी कर रहा हूँ, परंतु साथ साथ उनको जागरूक भी कर रहा हूँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और मैं चाहता हूँ कि सरकार एक कठोर नियम लेके आए। मैडम, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर यह ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर कह देता है ना कि बेटे आपको डायबिटीज हो गई है या आपको डायबिटीज है, तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाना शुरू कर देते हो। यहाँ पर आप जाते हो, आप देखते हो ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, तो आप सिर पे हेलमेट डाल लेते हो। आप ये नहीं देखते कि हेलमेट मेरी सुरक्षा के लिए है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर सख्त कानून आना चाहिए। दो बच्चों का, जो मेरी पर्सनल इच्छा है कि दो बच्चों का कानून आना चाहिए, तभी अपना हमारा बैलेंस सही बैठ पाएगा। और इसी के साथ ही मैं भारत सरकार से और विपक्षी दूसरी राजनीति विपक्षी पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि सब मिलकर जल्दी से जल्दी ये कानून लेके आए, ताकि हमारे भारत की जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था में ना बन जाए। तो कहीं ना कहीं अगर लोग जो है छोटा परिवार रखेंगे, कहेंगे ना छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यदि छोटा परिवार रखेंगे तो उनको शिक्षित कर सकेंगे, हर एक जरूरत उनकी पूरी कर सकेंगे बच्चों की, ताकि बच्चों का विकास हो सके, उनका खुद का विकास हो सके। और देश का विकास भी जब ही होगा, जब हर किसी का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो इसी के साथ ये भी कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से अपील भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इसके पूरी पूरी केंद्र सरकार से, विपक्षी पार्टियों से, मैं पूरे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कानून आना चाहिए। 40 ईयर्स हो गए हमें वेट करते हुए। हम टीवी में डिबेट देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम खुश होने लगते हैं, फिर उसको किसी न किसी कारण से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो हमारा यही अनुरोध है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून जल्द से जल्द भारत सरकार लेके आए, और इसी मानसून सत्र में ही लेके आए। धन्यवाद।